हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सागर रीवा। तो भियान ऐप का न्यू अपडेट आया है जिसके चलते हम लोग की वीडियो एडिट करना बहुत आसान हो जाएगा हम लोग के लिए। जैसा अभी तक आप लोग अपनी वीडियो में ऑटो कैप्शन अगर डालते थे तो हम लोग को दूसरे ऐप की जरूरत पड़ती थी और उसके बाद अपन लोग को फिर से वीएन ऐप में आके वीडियो एडिट करना था, पर अब ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग सिर्फ वीएन ऐप से ही ऑटो कैप्शन अपनी वीडियो में डाल सकते हैं एंड इसके भी अलावा बहुत सारे न्यू अपडेट है। तो आप लोग को वीडियो के एंड तक वहीं रहना, तभी आप लोग को पता चलेगा कौन कौन से न्यू अपडेट हैं और इनको कैसे यूज करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, अपने वीएन ऐप को अपडेट कर लेना है। अपडेट जरूर कर लीजिएगा, नहीं आप लोग को पता नहीं लगेगा कौन कौन से न्यू अपडेट आए हैं। और उसके बाद आप लोग का करना है अपने वीएन ऐप को ओपन कर लेना है और उसके बाद आप लोग का करना है प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है जो नीचे है। इसके बाद आप लोग का करना है न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है और एक यहाँ से वीडियो सेलेक्ट कर ली है जिसमें आपकी रियल वॉइस हो और यहाँ से आप लोग को उसको सेलेक्ट करके और ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और जो न्यू अपडेट आए हैं वो जो वीएन ऐप से वीडियो एडिटिंग करते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया अपडेट है, बहुत कमाल का अपडेट है जो उनके बहुत काम आने वाला है। अब आप लोग क्या करना है कि इसके आगे जाना है और जो वीएन ऐप का वाटर मार्क है इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है। अब आप लोग का क्या करना है कि यहाँ पे आप लोग को आगे देखना है, ऑटो कैप्शन का न्यू अपडेट आया है, मतलब ऑटो कैप्शन। तो यहाँ से आप लोग की वीडियो में अपने आप ऑटो कैप्शन यहाँ से ऐड हो जाए। आप लोग क्या करना है, यहाँ से ऑटो कैप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पे आप लैंग्वेज देख सकते हैं, इंग्लिश है, हिंदी है, मतलब आप लोग को हर लैंग्वेज मिल जाएगी। सबसे बढ़िया यहाँ पे है कि हिंदी लैंग्वेज है, इसको यहाँ से आप लोगों को क्लिक कर देना है। इसके बाद आप लोग क्या करना है कि यहाँ पे जाना है कन्वर्सेशन मोड और यहाँ पे आप लोग को ऊपर वाला टीनी वाला जो है इसको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे तभी आप लोग के वीडियो में ऑटो कैप्शन जाएगा और इसके यहाँ से राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब इसके बाद आप लोग क्या करना है, पहले यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा उस पर डाउनलोड कर लेना है। अब यहाँ पे लोग क्या करना है, कन्वर्ट पर क्लिक कर देना है तो आप लोग की वीडियो में अपने आप ऑटोमेटिक ऑटो कैप्शन ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से मैं इंग्लिश में ऑटो कैप्शन ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ से आप लोग क्या करना है, कन्वर्ट पर क्लिक कर देना है। अब आप लोग को थोड़ी देर वेट कर लेना है, यहाँ पे आप लोग के वीडियो में ऑटोमेटिक कैप्शन ऐड हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारी वीडियो में ऑटोमेटिक कैप्शन ऐड हो चुका है। आप लोग क्या करना है, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे रॉन्ग है वहाँ पे आप लोग को सेलेक्ट करके डिलीट करके एंड यहाँ पे अपने आप यहाँ पे सही कर लेना है। मैं टू सागर रीवा, तो यहाँ पे आप लोग अगर ना जो सागर रीवा नहीं तो वहाँ पे आप लोग चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से सागर रीवा। अब यहाँ से आप लोग का करना है कि यहाँ से डन कर देना है। यहाँ पे लोग देख सकते हैं लॉक वाला ऑप्शन मिल गया है, तो इससे आप लोग लॉक कर देंगे इसको तो ये एडिट नहीं होगा जब तक आप लोग इसको अनलॉक नहीं करेंगे यहाँ से। तो अब ये हो गया। आप लोग का क्या करना है कि जैसे यहाँ पे आप लोग म्यूजिक ऐड करते हैं, यहाँ पे म्यूजिक वाले ऑप्शन पे जाएंगे, म्यूजिक पे जाएंगे। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पूरा चेंज हो गया, म्यूजिक वाला ऑप्शन भी यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब आप लोग क्या करना है, यहाँ से माई म्यूजिक पे जाना है और यहाँ पे म्यूजिक लाइब्रेरी पे जाना है और यहाँ से कोई म्यूजिक मान लीजिए आप ऐड कर रहे हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर रहे हैं, तो जैसे मैं ये वाला म्यूजिक यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे यूज पे क्लिक करेंगे, यहाँ से राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे म्यूजिक ऐड हो चुका है। अब आप लोग पहले देख सकते थे जैसे यहाँ पर आप लोग म्यूजिक पे क्लिक करते हैं तो वैल्यूम वाला ऑप्शन नहीं आता, मतलब बहुत नीचे आता था। अब यहाँ पे वैल्यूम वाला ऑप्शन यहीं पे आ जाता है, तो आप लोग यहाँ से क्या करना है इसकी वैल्यूम यहाँ पे कम कर देना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सागर रीवा। तो वीएन ऐप का न्यू अपडेट आया है जिससे कि आप लोग अपनी वीडियो में ऑटो कैप्शन सिर्फ एक क्लिक में लगा सकते हैं। आप लोग क्या करना है, जैसे ये है म्यूजिक है, अब यहाँ पे आप लोग की फ्रेम लगा के इसकी वैल्यूम कहीं भी कम है, मतलब जहाँ पे आप नहीं बोल रहे हैं तो बैकग्राउंड म्यूजिक को आप लोग हाई कर सकते हैं और जहाँ पे आप लोग बोल रहे हैं तो वहाँ पे म्यूजिक कम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं की फ्रेम लगा लेता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ, अब बीच में क्लिक करके इसकी वैल्यूम में यहाँ पे कम कर देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो वीएन ऐप का न्यू देख लेना। आज ऐसे ही पे आप लोग अपनी जहाँ पे बोल रहे हैं वहाँ पे आप लोग को वैल्यूम कम कर देना है की फ्रेम लगा के, और जहाँ पे आप लोग मतलब बोलना बंद कर देते हैं वहाँ पे आप लोग वैल्यूम। यही दो न्यू अपडेट थे जो कि आप लोग मतलब हम लोग की वीडियो एडिटिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। अब आप लोग क्या करना है, ऊपर जाना है एरो वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये भी बदल चुका है, मतलब यहाँ पे जो सेव करते थे हम वीडियो तो ये भी बदल चुका है। अगर आप लोग यहाँ पे ऑटो पे करेंगे तो अपने हिसाब से मतलब क्वालिटी एंड सब कुछ करके देगा, यहाँ पे मैनुअल पे करेंगे तो यहाँ से आप लोग अपने हिसाब से इसकी क्वालिटी, FPS और ये सब अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ तो यहाँ पे हमारी वीडियो सेव होने लगी है। अगर आप लोग कोई वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा
और आप लोग अगर चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम आती हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स बता सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम की लिंक है तो उसमें जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं।